तो यहाँ पे एक और बढ़िया फीचर है इस एयरपोर्ट में, आप अपना सारा चीज़ जो भी एयरपोर्ट पे अवेलेबल है यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सपोज मैप एंड कौन से टर्मिनल में जाना है वो सब, कौन से लेवल में, उसे सेलेक्ट कर सकते हो। और साइड में पूरा मैप आ, और वो भी 3D में आता है, आप उसको पूरा टर्न करके देख सकते हो। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग आई फाउंड। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल, और देखते हैं अर्ली चेक इन का क्या प्रोसेस रहता है एंड ऑल। चलो देखते हैं अर्ली चेक इन का क्या प्रोसेस रहता है, कितने का फटका पड़ने वाला है हमको। सो लेट्स डू द चेक इन प्रोसेस एंड फिर बात करते हैं। तो हम आके अपने रूम में पहुंच चुके हैं। दिस इज द डोर एंड राइट नेक्स्ट टू द डोर वी हैव अ वॉशरूम। मिरर सेल्फी के लिए अच्छा है एंड दैट्स द बाथिंग एरिया, सेफ कबर्ड्स। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा कॉफी एंड दिस इज द रूम, बोथ द बेड्स, टीवी जिसमें स्टार प्लस आता नहीं और कोई भी इंडियन चैनल नहीं आता इसमें, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग द व्यू। राइट नाउ वी आर एट द होटल एंड दिस इज द ब्लैक कॉफी। 2 दिन में पहली बार गया है, ऑफ मतलब अलग ही लेवल की शांति मिल रही है। सो राइट नाउ द प्लान इज कि हम फ्रेश होंगे, कुछ खाएंगे और फिर ढेर सारा रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे दोनों कान खुले नहीं है फ्लाइट लैंड करने के बाद और बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है। सो थोड़ा रेस्ट लेते हैं और फिर उठने के बाद देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। और आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड एंड होप करता हूँ कि आपको ये नज़ारा पसंद आ रहा होगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो फिलहाल हम अभी है सुपर मार्केट में और खाने का कुछ सामान ढूंढ रहा हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो रूम में लेके रख देंगे, खाने में ऐसा नहीं होगा क्योंकि भूख बहुत लगती है। लेकिन प्राइसेस थोड़े से हाई है, जो कि मेरे को लगता है कि बाहर जाके मेरे को सस्ते मिलेंगे। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ पे और क्या मिलता है और फिर बाहर चलते हैं, वहाँ पे जाके देखें क्या प्राइसेस रहते हैं। एंड ये वाला प्लेस हमारे होटल के बाजू में ही है, तो अगर यहाँ पे यहाँ के प्राइसेस बेटर होंगे तो रिटर्न आके ले लेंगे फिर यहीं से। तो देखते हैं क्या मिलता है, फिर आगे बात करते हैं। तो फिलहाल हमें अपना सामान मिल चुका है 7-Eleven से, जो भी चाहिए था ले लिया है और अभी रूम की तरफ जा रहे हैं। हल्का बारिश हो रहा है एंड दैट्स सम काइंड ऑफ अचीवमेंट आई कैन से। लाइक इंडिया के बारिश में तो बहुत भीग है, आज मलेशिया के बारिश में भीग रहे हैं, ज़्यादा तेज बारिश नहीं है फिर भी रिस्क नहीं लेंगे, रूम पर चलते हैं। और मैं सोच रहा हूँ खाना रूम पर ही ऑर्डर कर लूँ। सो देखते हैं क्या होता है, पहले रूम पर पहुँचते हैं और फिर आगे की बातचीत करते हैं। फिलहाल अभी हमारा डिनर का सीन सॉर्टेड है, डिनर इज़ ओवर एंड राइट नाउ हेडिंग बैक टू द रूम। टाइम हो रहा है समथिंग अराउंड 12:30 अराउंड हियर, बैक इन इंडिया टाइम शायद हो रहा होगा समथिंग अराउंड 10:00 या कुछ उसके आसपास। सो आज के दिन का बस इतना ही सीन था एंड थैंक यू गाइज फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे, लव यू गाइज एंड I really hope that you guys are loving the videos of this part, my first international trip. So stay tuned, aage aur bhi zyada maza aane wala hai. Love you guys, bye bye, good night.